Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another recommendations video. So that time of the year is here again. Pink Friday sale aane wali hai and it is going to start on the 24th. I'm not even kidding you guys. I have a lot to show you all and yeah, I hope you guys enjoy watching this video and let's get started. Okay, so अगर अभी आप नायका के ऐप पे जाओगे ना तो आपको ऑलरेडी ये पिंक फ्राइडे वाला ऑप्शन दिख जाएगा एंड यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू विल गेट अप टू 50% ऑफ. आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स टू शो यू गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइमर. एंड फॉर प्राइमर द फर्स्ट वन आई हैव इज दिस मेबेलिन फिट मी प्राइमर. सो दिस इज द ड्यूई एंड स्मूथ वन. नाउ आई डू हैव द मैटिफाइंग वन बट आई डिड नॉट लाइक दैट एज सच बिकॉज दैट डजंट रियली डू मच फॉर योर स्किन, बट दिस ड्यूई एंड स्मूथ वन इज सो गुड यू गाइस. अभी क्योंकि दिल्ली में तो विंटर आ गया है एंड माई स्किन इज जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग. इट इज सो ड्राई, मतलब मेरे स्किन में ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई मॉइस्चर ही नहीं है, बट मेकअप लगाने के थोड़ी देर बाद ना वो ऑयली हो जाता है. बट if I don't prep my skin well with something that will put a lot of hydration, then मेरा makeup पूरा crack हो जाता है, patchy हो जाता है. So this primer, it just looks so beautiful on the skin. It is super lightweight and इससे थोड़ा सा sheen रहता है आपके face पे. So I really like using this and I have been using this a lot. Like every time I do my makeup, I will use this as one of the layers. Now another primer that I really like is this K Beauty color correcting primer and मेरे पास है ये orange वाला variant. So K Beauty has like a lot of these different color correcting primers. So this just sits very beautifully on my skin and again this is also very lightweight. इसको ना आपको अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना है बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग. सो अभी ना आई लव यूजिंग दिस अंडर माई आईज स्पेशली बिकॉज अंडर माई आईज इज वेयर माई कंसीलर विल क्रैक. लाइक अभी भी यहाँ पे ना थोड़ा पैची हो गया बिकॉज आज मैंने इसको यूज नहीं किया था. आई जस्ट हैड टू डू माई मेकअप वेरी क्विकली. सो या आई एंडेड अप स्किपिंग दिस एंड थोड़ा यहाँ पे क्रैक हो गया है. सो दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन, इट डज कलर करेक्ट. मैंने ना इसका एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, सो इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ एक्जैक्टली दिस वर्क्स आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो. बट आप ना इसमें दूसरे वेरियंट्स भी ट्राई कर सकते हो. So there is a purple variant, there is a green variant, then there is a yellow variant. So आपके different जो problem areas है ना वो उसको tackle करेगा. And I just really like the formula. I like the way it looks on my skin. And all foundations just blend so well on this primer. Like everything just sits well. So अगर बहुत mattifying भी मेरा कोई foundation है ना, it will look pretty dewy on top of this. So that is why I've been enjoying this a lot. Alright, the next product that I'm going to talk about, इसके बारे में मैंने कभी भी अपने channel पे बात नहीं की है. And this is my holy grail product right now. I've been using this non-stop for the past 2 months. So this is the Kalabar Water Balm. So this is like a hybrid between a moisturizer and a serum. So this is what it looks like. And then आप इसको अच्छे से blend कर दोगे ना, it gets absorbed so quickly. So after I do my skincare, I use this generously on my face. And उसके बाद मैं अपना एक primer भी लगाती हूँ. उसके बाद फिर फाउंडेशन लगाती हूँ एंड यस मेरी स्किन इतनी ड्राई हो गई है, बट वही ना थोड़ी देर के बाद वो ऑयली हो जाती है. एंड यू कैन जस्ट यूज दिस एज अ प्राइमर, यू डोंट हैव टू गो इन विद अनदर प्राइमर. अगर आपको नहीं यूज करना, यू कैन जस्ट गो विद दिस एंड योर स्किन विल फील सो प्लम्प एंड सो ज्यूसी एंड या इट इज जस्ट अमेजिंग. ऑलराइट, फॉर फाउंडेशन द फर्स्ट फाउंडेशन आई हैव फॉर यू इज बाय नायका एंड दिस इज द नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन एंड माई शेड इज, मेरा शेड कौन सा, 02 है, हाँ 02 वेरी वनिला. मैंने जब इसको बहुत साल पहले यूज किया था, आई डिड नॉट लाइक इट, बट राइट नाउ दिस इज माई गो टू फाउंडेशन. आई लव दिस सो मच. आई रियली लाइक द फॉर्मुला बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट, इट विल प्रोवाइड यू मीडियम टू फुल कवरेज. मैं थोड़ा कलर करेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इसको यूज करती हूँ तो मुझे बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश मिलता है. आई जस्ट लव द वे दिस सिट्स ऑन माई स्किन राइट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज आई एम फेसिंग. एंड ये इतने ईजिली ब्लेंड हो जाता है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट की भी नहीं जरूरत है. इट इज वेरी लॉन्ग वेयरिंग एज वेल एंड केक ही नहीं लगता है फेस. सो दैट इज वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस. सो या डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन, आई हैव बीन एंजॉइंग दिस अ लॉट. एंड देन अनदर फाउंडेशन आई हैव फॉर यू इज द मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन. नाउ इसको भी मैं कभी कभार ना नायका वाले के साथ थोड़ा मिक्स करके इसको यूज कर लेती हूँ. लाइक दिस इज अ वेरी नाइस फुल कवरेज फाउंडेशन एंड इट इज वेरी लॉन्ग वेयरिंग एज वेल. इट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल ऑन द स्किन एंड इफ माई स्किन इज फीलिंग अ लिटल बिट लाइक ऑन द ऑयलियर साइड, आई विल डेफिनेटली यूज दिस. सो इफ यू हैव लाइक ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन एंड आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. Alright, the next foundation that I have for you is by MAC and ये है MAC का Studio Fix foundation. तो मैंने इसमें already shots बना लिया है. This gave me such a beautiful skin-like finish. It is not heavy at all. It is not cakey. And मुझे अब समझ आ रहा है कि brides क्यों ये use करना पसंद करती है. तो अगर आप एक bride to be हो या फिर wedding guest हो, ये foundation ले लेना because this will keep you sorted. मेरे पास mini version है. तो अगर आपने ये खरीदा, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ free मिल जाएगा या फिर कोई ना कोई offer चल रहा है. Now I know a lot of people say this is like full coverage, but मुझे नहीं लगा है full
फुल कवरेज है बिकॉज आई डेफिनेटली नीड टू कलर करेक्ट एंड उसके ऊपर अगर ये लगाऊंगी तो मुझे फुल कवरेज मिलेगा बट आई कुड सी अ बिट ऑफ द डार्कनेस जो मेरे पिगमेंटेड स्कार्स है ना वो मुझे थोड़ा सा दिख रहा था बट हैविंग सेड दैट इट्स अ वेरी नाइस मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन सो दोज आर ऑल द फाउंडेशंस दैट आई हैव फॉर यू गाइस एंड नेक्स्ट आई हैव अ कंसीलर आई थिंक आई ओनली हैव वन कंसीलर टुडे सो आई हैव दिस लॉरियल इनफेलिबल प्रो फुल वेयर कंडीशनर वाओ कंसीलर एंड दिस हैज बीन लिटरली माय होली ग्रेल कंसीलर राइट नाउ लाइक आई कांट स्टॉप यूजिंग दिस माय शेड इज 312 एम्बर एंड इसमें आई थिंक 3 or 4 शेड्स आते हैं सो शेड रेंज इज नॉट द बेस्ट आई नो बट दिस इज द ओनली कंसीलर दैट हैज बीन वर्किंग ऑन माई स्किन राइट नाउ जो मेरे ये जो वियर ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन चल रही है ना उसके ऊपर अच्छा काम कर रहा है दिस इज लिटरली सुपर फुल कवरेज इससे मेरे सारे जो प्रॉब्लम एरियाज है वो सब कुछ कवर हो जाता है इट कवर्स माई डार्क सर्कल सो ब्यूटिफुली एंड इट डज नॉट ड्राई आउट माई अंडर आईज एट ऑल सो दैट इज वाई आई लव यूजिंग दिस समटाइम्स आई जस्ट यूज दिस ऑल ओवर माई फेस एज फाउंडेशन ओनली बस इसको लगा लिया इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लिया एंड आई एम गुड टू गो अदर देन दैट आई हैव अनदर कंसीलर रिकमेंडेशन एंड दैट इज द मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर वो भी मुझे बहुत पसंद है उसमें मेरा शेड है सैंड एंड वो मेरा खत्म हो गया है बट वो भी बहुत अच्छा है उसमें आपको काफी शेड्स भी मिल जाएंगे सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो ओके सो फॉर पाउडर द फर्स्ट थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव राइट नाउ इज दिस नायका का कॉम्पैक्ट बट द थिंग इज मेरा कॉम्पैक्ट टूट गया है सो आरआईपी दिस इज माई ओ माई गॉड इसमें मेरा शेड है 01 आइवरी आई कैन डेफिनेटली यूज द सेकंड शेड बट वो अवेलेबल नहीं था सो दिस हैज बीन वर्किंग रियली वेल फॉर मी एंड इट इज सच अ गुड डे टू डे पाउडर लाइक आई डोंट ऑलवेज लाइक टू यूज अ लूज पाउडर इससे आपको एक स्लाइट सा कवरेज भी मिल जाएगा बट ओवरऑल इट डज नॉट ड्राई अप माई फेस अ लॉट बट इट सेट्स द मेकअप रियली वेल एंड दैट इज वाई रियली लाइक दिस सो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट ऑफकोर्स आई हैव माई के ब्यूटी बनाना पाउडर हर रिकमेंडेशन में ये तो आता ही है बट या दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट लूज पाउडर्स आउट इन द मार्केट इसका पैकेजिंग भी बहुत कन्वीनियंट है बिल्कुल भी मेसी नहीं है एंड इफ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ नाइस लूज पाउडर यू कैन डेफिनेटली चेक आउट के ब्यूटी इनमें बहुत सारे शेड्स आते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट ड्राइंग इट इज सो ब्यूटिफुली मिल्ड एंड इट इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट face powders I have ever used. Okay, for blush, I have this Kalabar blush and this is the new one that I got. And this is the Kalabar Cheek Illusion blush and mera jo shade hai that is Sweet Scarlet and this is what it looks like. So, this is such a beautiful mauve rosy color and mujhe itna zyada pasand hai. This is my go-to blush. I have been using this every single time I do my makeup. Also, because I think that this is such a nice winter shade. Winter pe na thoda sa deeper shade ke jo blushes hote na bahut sundar lagte hain. Now this is super pigmented so you have to use a light hand but it is like buttery itna acche se blend ho jata hai and it just looks so nice and I want more shades from this range because I just think that the formula is so good and ye bhi aapko na wo pink friday sale ke options mein dikh jayega maine kal hi check out kiya tha and another one is this nayka one and isko maine pehle bhi recommend kiya hai but isko main dobara isliye recommend kar rahi hu because you get two pans in this right so aapko two shades mil jate hain and because hum blush itna bhi nahi lagate you know full face pe to nahi lagate it's very difficult to hit pan on a blush so aapko agar ek palette mein two mil jata hai it is not only convenient but you get more shade options as well and इसका भी फॉर्मुला इज वेरी नाइस इट इज नॉट ओवरली पिगमेंटेड लाइक इट इज लेस पिगमेंटेड देन दिस बट इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन यू कैन बिल्ड इट अप एज पर योर लाइकिंग एंड या इसमें भी चार पांच और शेड्स आते हैं सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस नायका का ब्लश डुओ बट एट द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव फॉर यू ये पहले जो मैंने यूज किया था मुझे इतना पसंद नहीं आया था बट नाउ दैट आई हैव यूज्ड इट अ फ्यू टाइम्स एंड विद द न्यू फेस प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग आई हैव बीन जस्ट लविंग इट सो मच एंड दिस इज द के ब्यूटी कॉन्टोर पैलेट सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक एंड इसमें ये कॉन्टोर शेड है ये ब्रॉन्जर एंड दिस इज सपोज टू बी हाईलाइटर ओके सो दिस डज नॉट वर्क फॉर मी ये तो बहुत डार्क है मेरी स्किन के लिए सो आई डोंट यूज दिस बट आई बीन यूजिंग बोथ ऑफ दिस टू कॉन्टोर माई फेस ब्रॉन्ज माई फेस यू नो आई डोंट यूज अ सेपरेट कॉन्टोर सो मैं इन दोनों को ही मिक्स कर लेती हूँ एंड दिस इज वॉट आई यूज टूडे ऑल्सो टू यू नो जस्ट ब्रॉन्ज अप माई फेस एंड इट विल जस्ट ब्लेंड इन टू योर स्किन वेरी नाइसली एंड इट विल गिव यू द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइक चिजल्ड लुकिंग फेस सो आप इसको भी बिल्ड कर सकते हो तो अगर आपको बहुत शार्प वैसा कॉन्टोर एंड ब्रॉन्ज लुक चाहिए यू कैन अचीव दैट But if you just want something subtle, you can go for that as well. Okay, for highlighter, I have this new one that I got from e.l.f. So this is what it looks like. इसका pattern बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. This is in the shade 24K gold. But unlike that yellow gold, na you can actually use this and it is wearable. Now if you want that blinding look, वो भी आप इससे achieve कर सकते हो. But if you want that more subtle look, वो भी आप इससे achieve कर सकते हो. And पहले मुझे लगा था that maybe it will be a little chunky. But once I just used it with a fan brush, it wasn't chunky at all. It looks very beautiful. And e.l.f. पे भी offers
ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट दोनों ही चल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस एज वेल. द नेक्स्ट हाइलाइटर दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, आई थिंक आई हैव रेकमेंडेड दिस बिफोर, बट दिस इज बाय द बाम एंड दिस इज देयर बॉनी ल्यूमिनाइजर एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. Very, very, very pretty, and yeah, this is a blinding type of highlighter. So I definitely think you can go for this for the shadi season. And मुझे बाम के products actually काफी अच्छे लगे. I want to try their Bahama Mama bronzer and a blush also. But this is also such a beautiful highlighter. It looks nice, doesn't emphasize a lot of texture, and because ये थोड़ा expensive है, sale time is the perfect time to get this. Quickly want to talk about an eyebrow product, and that is the Color Bar eyebrow gel. I have been using this non-stop. This is what it looks like, and मेरा जो शेड है दैट इज 001. इसमें दो या तीन शेड्स आते हैं एंड आई हेट डूइंग माय आईब्रोज. तो ये जो ब्राउ मस्कारा टाइप की चीजें होती है ना, ये मुझे बेस्ट लगती है, बिकॉज बस थोड़ा सा कर लिया एंड यू आर गुड टू गो. आई कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग माय आईब्रोज. लाइक मुझे इरिटेशन होती है कि बैठ के पहले ड्रॉ करो, फिल करो, वो सब मेरे से नहीं होगा कभी भी. तो आई रियली लाइक दिस. आई ऑल्सो रियली लाइक द एल्फ वन, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट एल्फ वाला मेरा खत्म हो गया था, सो आई जस्ट गॉट दिस. एंड या यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस इफ यू आर अ लेजी आईब्रो गर्ल लाइक मी. एंड फॉर काजल राइट नाउ माय होली ग्रेल इज दिस मामा अर्थ काजल. दिस इज सो गुड. मतलब दिस मामाअर्थ काजल रियली ब्लू माई सॉक्स. दिस इज हाउ ब्लैक इट इज. इसका फॉर्मूला इतना सही है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा स्मच करना पसंद है अपने काजल को. सो इसको लगाते ही अगर आपने स्मच कर लिया, देन वो इजिली स्मच भी हो जाता है, बट उसके बाद एक बार सेट हो जाएगा ना, देन इट विल नॉट बज एट ऑल. सो या दिस इज लाइक वाटर प्रूफ एंड एवरी थिंग. आई एब्सोल्युटली लव दिस. एंड देन आई हैव टू मस्कारास फॉर यू गाइज. सो द फर्स्ट वन इज एक्चुअली अन ओल्डी बट अ गुडी. दैट इज द मेबेलिन कोलोसल मस्कारा. हेलो, आई मिस्ड यू. सो दिस इज लाइक एन ओजी मस्कारा. सबको इसके बारे में पता है, बट इसको ना मैंने बीच में बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग अदर मस्कारास. बट दिस इज लाइक सच अ गुड एवरी डे मस्कारा. एंड मैंने नोटिस किया कि इट डज लिटरली एवरीथिंग फॉर यू. इट विल गिव यू अ बिट ऑफ लेंथ, इट विल गिव यू अ बिट ऑफ वॉल्यूम, एंड इट जस्ट लुक्स सो नाइस. सो एवरी डे के जो सॉफ्ट ग्लैम टाइप के लुक्स होते हैं, या फिर अगर मैं बस लंच के लिए जा रही हूँ या हवा जा रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट लाइक रियली ऐसे बहुत ही सॉलिड वाटर प्रूफ मस्कारा ना. This is just amazing. And then the other one is of course Maybelline Falsies Lash Lift wala. This is such a good mascara, but this is waterproof AF. Isko nikalna thoda mushkil ho jata hai. Iska na wand bahut hi sahi hai. See, this is what the wand looks like. This will make your eyelashes look like false lashes. This can clump your lashes, so you have to be careful ki aap kitna product laga rahe ho and kitne jaldi jaldi laga rahe ho. But once you get the hang of it, oh my god, this will make your lashes look so good. I love the drama that it adds to my lashes. And of course, L'Oreal ka Lash Paradise mascara, I cannot forget that. Wo and iska effect almost same hai. Alright, let's come to eyeshadows. And eyeshadows ke liye, I thought a lot ki mujhe kya aapko recommend karna chahiye. Then I just came down to these two products. So the first one is definitely these e.l.f. Bite Size eyeshadows. So I have two colors. One is Pick Me Up. This is what it looks like. So this is more in a mauve-ish tone. And then I have this one. This is called Pumpkin Pie. This is what it looks like. So you get four eyeshadows. You get two mattes and then you get two shimmery shades. These are the swatches. So these are very pigmented. These blend really well. And I feel like for travel purposes and for people who don't do a lot of makeup day-to-day basis pe, but you want like a good eyeshadow thing in your collection, you can definitely just try this once and I'm telling you, you will love them. And because इसमें ना color story already है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना किसके साथ मैं क्या लगाऊँ. Once I used this, I was like, this is a good palette and this is called Wild and Free. So these are all the shades. You get a mirror and everything. This is what I'm wearing on my eyes today as well. And मुझे इसका color story इतना सही लगा, because you have plum, you have this olive shade, but you have browns and everything as well. I think this is such a kick-ass winter palette. Like winter में ना ऐसे थोड़े dark shades काफी सही लगते हैं. And I just really like इसका भी जो formula है. It is pigmented, it is blendable, and ना it layers really well. So आज मैंने काफी सारे different eyeshadows try किए इसमें से. Like I'll show you guys इसका एक metal shade. Look at the shade right here. It is so pretty. It is buttery smooth and it is so pigmented, and you can just use it with your finger, you can use it with a brush, whatever you like. Overall, really like the formula, and I feel like sale pe khareedne ke liye this is like one of the best palettes. Next I have this product by Charlotte Tilbury, and Charlotte Tilbury pe bhi kafi sare offers the. This is one of my favorite products right now. This is so pigmented, and isko bhi matlab main itne different ways mein use kar sakti hu. Main aapko ye shade dikhati hu. This is called Walk of Shame. This is
how it looks like. Iska water based formula as far as I remember. Isme kafi sare shades aate hai. So again, I want to buy like a nice champagne shade. Isme I just think it will just look so nice all over the lid. And Charlotte Tilbury ke products kafi expensive aate hai. So offer mein agar aapko kuch acha mil raha hai, definitely go grab it. And baaki bhi aap unke na products check out kar sakte ho, unke face products wagera. So I'm just gonna quickly talk about some lipsticks jo mere वैसे oldie type ke favorites hai. The first one is by Huda Beauty and ये उनका bullet lipstick है in the shade First Kiss. So ये ना bullet में मेरे से थोड़ा सा टूट गया है ये, but I'll show you guys a nice swatch of it. Like मेरे से जो हो पा रहा है, this is what the shade looks like. This is such a pretty nude shade and इनका जो भी ये bullet lipstick का collection है ना, मुझे सारे shades बहुत ज़्यादा पसंद आए. So you can definitely check it out अगर आपको कोई अच्छे offer में मिलता है ये. Next, a new favorite of mine right now is this MAC lipstick and this is the MAC Meher. This is what the shade looks like. It is so pretty. It's not super matte. It's not super creamy. And MAC के lipsticks में आपको mini size भी मिल जाएगा. So best चीज़ है वो. Okay, next I have this new favorite lipstick and this is by K Beauty only. So this is called Snapshot. Look at that shade. This is my favorite nude lipstick right now. I've been wearing this every single day. I'm wearing it right now as well. मैंने इसके साथ एक और lipstick को layer किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी. This is like your typical bullet matte lipstick that is a bit creamy so that आप easily apply कर सको and drying ना हो. And yeah, मुझे actually इसका shade ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा. तो अगर आपको sale पर अच्छे deal पर मिल रहा है तो definitely आप ये shade check out करना. But yeah, this will wash out medium to deeper skin tone. So अगर आप थोड़ा fair to medium हो तब आपके ऊपर ये सही लगेगा. And the next lipstick, I have talked about this so many times, ये है Lakme ka absolute matte melt lip color in the shade peach rose. So ये मैंने इतनी बार दिखाया है, but मैंने सोचा क्योंकि sale आ रही है तो एक और बार दिखा देती हूँ. This is what it looks like. This is one of the most comfortable matte lipsticks that I've used. बहुत drying नहीं है, बहुत ही सुंदर color है. इसमें भी काफी आपको color के options मिल जाएंगे. And yeah, I just had to show it to you guys in case अगर आपने अभी तक इसको check out नहीं किया है. Then a new favorite of mine is by Nykaa and this is the Nykaa All Day Matte in the shade Super Mom. इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल न्यूट टाइप का ही लगता है. This is what it looks like. So अभी ये जो विंटर एंड ये हमारा जो ऑटम विंटर वाला सीजन है उसके लिए तो बहुत ही मुझे सही लगा ये कलर. एंड एक्चुअली आई लाइक टू पेयर दिस विद लाइक माय अदर सुपर न्यूड शेड्स. सो जैसे इसके साथ एंड के ब्यूटी वाला को मिक्स कर दिया देन यू कैन गेट योर कस्टम शेड. सो आई जस्ट रियली लाइक टू मिक्स एंड मैच ऑल माई लिपस्टिक्स एंड आई रियली लाइक इसका फॉर्मूला भी. इट इज नॉट सुपर ड्राइंग या कुछ. आई ऑलवेज लाइक टू प्रेप माई लिप्स विद अ नाइस lip balm and then उसके ऊपर मैं liquid lipstick लगाना पसंद करती हूँ. Alright, the next lipstick that I got is by Smashbox and ये मेरा recent purchase है and it is in the shade Stepping Out. You guys, this is also like my go-to lipstick right now. This is what it looks like. So अभी मैंने वो K Beauty के ऊपर इसी को लगाया है. This is your perfect mauve-ish nude color. इसका फॉर्मूला लाइक स्मैशबॉक्स मेक्स द बेस्ट लिक्विड लिपस्टिक फॉर्मूला. आई एब्सोल्युटली लव दिस. एंड इस पे ना आपको दो तीन कॉम्बोज में मिल जाएंगे. सो मैं उन कॉम्बोज के लिंक्स डाल दूंगी, वो पिंक फ्राइडे सेल में आपको दिख जाएगा. आई जस्ट लव कि इनका ये जो मिनी साइज है ना, इट इज एक्चुअली नॉट सुपर मिनी कि दो बार लगाया खत्म हो गया. मेरे पास जो बाकी के सेट्स है जैसे बेब अलर्ट एंड ड्राइवर सीट वगैरह, वो सब अभी तक मेरे पास है. लाइक मैं उनको इतना यूज कर चुकी हूँ बट उनमें अभी भी प्रोडक्ट्स है. सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू इन्वेस्ट इन लाइक दोज बिग बॉटल्स. Next two products that I have for you are glosses. So I don't know अगर Anastasia पे sale होगी कि नहीं, but I just wanted to show it to you guys. So this is in the shade Crystal and this is a very beautiful gloss, very cute pink color. Here it is. इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसके नीचे कोई लिपस्टिक लगानी है. मैंने इसको ऐसे भी लगा रखा है. इट इज पिगमेंटेड, लुक्स नाइस एंड इट इज नॉट चिपचिपा. सो दैट इज वाई आई लाइक इट सो मच. दिस इज फॉर 1900 रुपीज आई बिलीव. सो अगर आपको सेल पे तो कोई ऑफर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव फॉर यू इज बाय एल्फ एंड दिस इज द एल्फ प्लम्पिंग ग्लॉस एंड माई शेड इज प्रालीन. या this is the shade Praline and again a very very beautiful highly pigmented gloss. इसको लगा के मुझे बहुत ऐसे कोई tingling sensation नहीं हुई. I'm going to be honest and it did not really plump my lips but I just like it as a gloss. You know formula मुझे वैसे इसका gloss का बहुत सही लगा. इसमें भी काफी सारे colors के option है and again I just like ऐसे nude colors, you know, of course, because it goes well with all of my nude lipsticks. Okay, I think we are almost done with makeup products. मेरे पास बस दो चीजें दिखाने के लिए. First is this pack का beauty blender. ये मैं हमेशा दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि pack भी अभी offer पे है. तो आपको दो beauty blender थोड़े offer पे like discount पे मिल जाएंगे. And these just blend your foundation and just your base like a dream. And the last
makeup product that I have for you is this MAC ka Fix Plus. Iska mist thoda aur fine ho sakta hai. So agar aap thoda distance mein karo na, so it will really just help to set your face, it will hydrate your face as well. आप इसको primer की तरह भी use कर सकते हो. So this is like an all-rounder product. So मुझे तो ये बिल्कुल worth the hype लगा and मैं इसका mini version भी खरीदूंगी travel वगैरह के लिए. Next let me show you guys some skin care, body care and all of that. So L'Oreal का hyaluronic acid serum, you guys can see this is like my third or fourth bottle. I love this stuff so much, especially right now winter, dry skin and all of that. Hyaluronic acid you need in your life. It really helps to hydrate your skin, but also it's a plump and juicy बन जाता है. So makeup के पहले तो भाई इसको लगा के ना इतना सही prep होता है ना आपका skin. So definitely would highly recommend you guys to check out L'Oreal का ये जो hyaluronic acid serum है. And then Simple का hydrating light moisturizer. I think ये मैंने पहले भी आपको recommend किया था, but again the best light moisturizer I have ever used. And all of these products ना I like to use especially before I do my makeup. And this will work for oily skin, this will work for dry skin. So definitely check this out. And इसके साथ ही Simple का ये जो face wash है, ये भी बहुत सही है. It is very very gentle. And I really like to use this on days when I'm using chemical exfoliators and all of those things. And then I'll use this as my face wash. Then I'll do my chemical peel and all of that. And उसके बाद ना मैं थोड़ा सा ये लगा लेती हूँ moisturizer. So yeah, these products are very simple, very clean ingredients. So बहुत अच्छे से काम करते हैं ये दोनों ही एंड आपको इनमें भी कॉम्बोज मिल जाएंगे. नेक्स्ट आई हैव दिस प्लम का एवोकाडो हेयर मास्क. मुझे फेस होता है ना जब आपका स्मूथनिंग का इफेक्ट खत्म हो गया है एंड योर हेयर इज लाइक आधा वेवी आधा स्ट्रेट, आई हेट इट. बट मेरे अंदर से पूरे बाल ऐसे ही है, ये ऊपर का ही लेयर ठीक है. सो आई बीन जस्ट यूजिंग अ लॉट ऑफ मास्क एंड स्टफ बिकॉज मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है एंड आई डोंट लाइक दैट अबाउट दैम. सो आई हैव जस्ट बीन यूजिंग दिस. इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ नरिशमेंट एंड मैं इसको ना बाल धोने के बाद 20 मिनट्स के लिए लगा लेती हूँ. समटाइम्स आई जस्ट यूज इट एज अ कंडीशनर लाइक 4-5 मिनट्स के लिए. बट इसको जितनी देर आप रखोगे उतना ही आपको बेटर इफेक्ट दिखेगा एंड आपकी वो जो बालों में गंदी सी ड्राइनेस नहीं होती वो चली जाएगी. सो दैट इज आई रियली रियली लाइक दिस. एंड प्लम में भी बहुत सारे ऑफर्स है. अनदर प्लम बॉडी प्रोडक्ट दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज दिस वनीला वाइब्स बॉडी ऑयल. नीडलेस टू से विंटर ड्राई स्किन, मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ लगाने की जरूरत है. ये बॉडी ऑयल बहुत ही सही है. इट विल रियली मॉइस्चराइज योर स्किन बट इट इज नॉट स्टिकी. सो आपके कपड़े स्टिक नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, बट आपके स्किन बहुत नरिश हो जाएगी. इट ऑल्सो जस्ट मेक्स योर स्किन ग्लोई. एंड नेक्स्ट आई हैव अनदर हेयर प्रोडक्ट एंड दिस इज द L'Oreal प्रोफेशनल वीट एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर सीरम. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. आई जस्ट I've been loving this so much. पहले मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी लगा रही थी, फिर मैंने बायोलॉज लगाया, अब मैं इसको लगा रही हूँ. एंड आई यूज इट लाइक एवरी टाइम आई डू माई हेयर एंड मेरे बाल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते. सो दैट इज वाई रियली लाइक ऐसे टाइप का प्रोडक्ट जो मेरे बालों को ना ऐसे स्टिकी स्टिकी नहीं करेगा. अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली आस्क मी फॉर स्ट्रेटनर रिकमेंडेशंस एंड द स्ट्रेटनर दैट आई हैव फॉर यू इज बाय फिलिप्स एंड दिस इज देयर आइकॉनिक स्ट्रेटनर. एंड इसको मैं काफी टाइम से अभी यूज कर रही हूँ एंड इट वर्क्स रियली वेल. इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है, इसका जो वायर है दैट इज ऑल्सो सुपर लॉन्ग. दिस डज नॉट फ्राई माई हेयर. आई मीन थोड़ा बहुत डैमेज तो देखो हो गया क्योंकि स्ट्रेटनर है. एंड ये मुझे अराउंड 2000 के रेंज में भी मिल गया था. सो फॉर द प्राइस एंड एवरीथिंग इट इज अ वेरी नाइस स्ट्रेटनर एंड इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है. द लास्ट टू थिंग्स आई हैव आर फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कैंडल्स एंड स्टफ बट आई वॉन्ट यू गाइज टू चेक आउट दिस मॉइस्चराइजर एंड दिस इज द 1000 विशेज वाला ये लोशन. माई गॉड ये इतना It just smells so good. I cannot even tell you guys. I think ये offer में है. So इसको definitely check out करना. These are also very nourishing. ऐसा नहीं show के लिए ये बस अच्छा smell करते हैं. That is it. No. It will really moisturize your skin. And you know you will smell so good. And the last product in this entire recommendation video is this Into the Night mist. This one was like one of the first body mist that I got and This, oh my god, this smells so good. जैसे विंटर आता है ना एक स्विच हो जाता है मेरे में एंड आई नो दैट आई जस्ट हैव टू यूज दिस. आई रीच आउट फॉर दिस सो मच. दिस इज रियली सच अ नाइस नाइट टाइम सेंट. इफ यू डोंट लाइक स्वीट सेंट्स देन यू माइट नॉट लाइक इट. नाउ आई डोंट नो इसके क्या एग्जैक्ट नोट्स है बट या इट हैज लाइक अ लॉट ऑफ नाइस लेयर्स एंड आई रियली रियली लाइक दिस एंटायर रेंज. एंड आई एम डन यू गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई हैव बीन टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours. मेरी आवाज जा रही है, आई कैन फील इट. बट आई हैड सो मच फन filming this video. Please let me know what are you planning to buy from my recommendations या फिर in general. And अगर आपके कोई और recommendations है उनको भी मुझे जरूर बताना. And yeah, सारे products के links सब कुछ मैं description box में डाल दूंगी. So don't forget to check that out. And yeah, thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you guys in my next one. Bye bye.